लास्ट तक मिल जाएगी, ठीक है जी। बात इसके आ रही है यहाँ पे स्प्लिट एसी की, ध्यान में। स्प्लिट एसी को समझने के लिए इसकी पहले समझनी पड़ती है सप्लाई, यानी कि इसका सप्लाई चलती कैसे है। सप्लाई जो है ध्यान दो तरीके चलती है इसके अंदर, पीसीबी के अंदर। पहली होती है ट्रांसफार्मर वाली, यानी ये वाली सप्लाई जिसके अंदर ये अलग से लग के आता है, ठीक है। जैसा आपका विंडो में था ना, सेम कहानी इसकी भी है, ये अलग से लग के आता है कईयों में, तो इसे कहते हम क्या, ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई। एक होती है एसएमपीएस सप्लाई, ये जैसे इसमें है, इस पीसीबी के अंदर अलग से कोई ट्रांसफार्मर नहीं आता, इसके अंदर ही ट्रांसफार्मर है छोटा सा, लेकिन ये डायरेक्ट एसी से नहीं चलता, इसको चाहिए होती है डीसी एसी दोनों मिक्स चाहिए होती है, तो इसलिए ये बना रखा है सक्सर छोटा सा, इसी को कहा जाता है एसएमपीएस। तो कुछ सप्लाई आपको एसी वाली मिलेगी और कुछ सप्लाई आपको उसके अंदर ये लगा मिल जाएगा, बात समझ में आया तक कि एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये मोटा मोटी अपन समझाऊँ, मोटा मोटी समझ लो, ये 220 इंटर हुई है इसके अंदर, है ना, एसी आया, ये वीडीआर कैपेसिटर कोइल कैपेसिटर वीडीआर लगा के यहाँ से निकलती है आपका एसी, चार डायोड लगा रखे, ये होते हैं रेक्टिफायर डायोड जो डीसी करते हैं, जैसे डीसी कर देगा वो चला जाएगा कहाँ पे, इस पे जाएगा, ये क्या करता है अपना चार्ज स्टोर कर लेगा, ये इसको ऑन करता है ट्रांसफार्मर को, लेकिन जो ट्रांसफार्मर जो ऑन होता है वो चलता है एसी पे, यहाँ से अगर निकलती है डीसी निकलती है ना, तो डीसी को वापसी एसी बनाने के लिए ये ऐसे लगाई जाती है, लगे आईसी, इसी को कहा जाता है स्विचिंग आईसी। ये आईसी का काम समझ लो इसको ऑन करने का है बस, इसलिए इसका नाम अलग से दे रखा है क्या, एसएमपी सप्लाई। दोनों मोटा मोटा आपको फर्क बता दो क्या होता है दोनों में। स्प्लिट एसी का पीसीबी है। हाँ देखो, एक तो था भाई जैसे मान लो आपका एसी था, एक था एन वाला, एक एसी था आपका एल वाला। अगर मान लो ये वाला लगाती है कंपनी ट्रांसफार्मर, तो सिंपल फंडा था ना भाई, यहाँ पे लिया एक वायर, एक यहाँ लगा दिया, वोल्टेज कम हो गई यहाँ से 12 वोल्ट के आसपास, है ना, ये 220 आया यहाँ से, ये कौन सी सप्लाई के लिए, ये इसके लिए, इसमें ही लगा होता है। लेकिन जिसके अंदर एसएमपीएस होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें यह करती है, जैसे मैं थोड़ा सा सबको छोटा सा बताऊँ, जैसे अपना हो गया ये एसी सेक्शन, यानी एसी आया यहाँ से दो, एक एल वाला और एक मान लो कौन सा एन वाला, कोइल लगा के ऐसे ऐसे लगा के कैपेसिटर लगा के, ठीक है, वीडीआर लगा के फिया लगाते हैं डायोड, क्या करेगा डायोड यहाँ पे इसको एसी को डीसी कर देगा। और प्रॉब्लम में क्या आता है कि भाई यहाँ से तो एसी निकलेगा बाहर, एसी का डीसी करने के लिए यहाँ के लगाते हैं डायोड, है ना, लेकिन डायोड यहाँ पहले लगा हुआ है, फिर इसके बाद लगा लेता है कैपेसिटर ऐसा करके, फिर जाता है ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा करके, फिर यहाँ एक ऐसे लगाई जाती है, ये ऐसे कर देगी इसको ऑन करती है ट्रांसफार्मर, जब ये ऑन होता है ना तब वोल्टेज बाहर निकलती है वापसी एसी, फिर डायोड लगा जाता है। तो यहाँ और यहाँ पर अंतर क्या रहा, इसका ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट 220 मिला, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं मिला, ये इसके थ्रू आ रहा है सारा वोल्ट, तो इसका जो ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब नहीं होता, इसी को कहा जाता है एसएमपी सप्लाई। तो इसका एक वायर इधर जाके कनेक्ट होगा ना, ये माइनस का होता है ये, तो ये सप्लाई समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा, दोनों पीसीबी आएगी अपने पास। तो पहले आपको जो क्लियरिटी करवाऊँगा पहले इसकी करवाऊँगा, जब ये क्लियरिटी हो जाएगी ना तब समझाऊँगा ये वाली एसएमपी सप्लाई, सब में ज़्यादा ये चलती है एसी के अंदर, ठीक है ना।